हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। और इसके अलावा लेक्चर के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड पावर के बारे में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। ओके, अब होता यह है कि हमको मालूम है कि एक वेव में हर पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, एसएलएम परफॉर्म कर रहा है। अब हर पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। ओके, लेकिन सबका एसएचएम अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में शुरुआत हो रहा है, तो सबके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। सबके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, अब यही फेज डिफरेंस को हमको समझना है। तो कंसेप्ट पहला मैंने समझाया फेज डिफरेंस का, क्योंकि एक पार्टिकल अलग फेज से चालू कर रहे हैं, दूसरा पार्टिकल अलग फेज से एसएचएम चालू कर रहे हैं, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस। और जहां फेज डिफरेंस रहेगा वहां पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस भी रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा टेक्निक समझाऊंगा जिससे तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको ये तीनों के बीच में डेरिवेशन या डिराइव कैसे करना है, फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है। एक बात ध्यान में रखना, जब एक वेव कंप्लीट होती है तो जो डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस जिसको हम लोग पाथ भी कहेंगे, वो होता है लैम्डा, है कि नहीं। फेज जो कवर होता है वो होता है 2π रेडियन, और टाइम जो लगता है दैट इज 1 टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, अब फॉर टू पॉइंट्स ऑन अ वेव, लेट अस से पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस इज डेल्टा फाइ एंड टाइम डिफरेंस इज डेल्टा टी। बराबर उनके नीचे ये लिखना है, उन्हीं के नीचे, जैसे लैम्बडा के नीचे डेल्टा एक्स, 2π के नीचे डेल्टा फाइ, टी के नीचे डेल्टा टी। अब तुमको अगर बोला कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, तो बस उन्हीं चार क्वांटिटीज को कंसिडर करना, यानी लैम्बडा, डेल्टा एक्स, 2π, डेल्टा फाइ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, यहां पे लैम्बडा डेल्टा फाइ 2π डेल्टा एक्स। तो हमको यहां से पहला इक्वेशन मिला डेल्टा एक्स का, डेल्टा एक्स के लिए 2π नीचे चले जाएगा। ओके, तो लैम्बडा इंटू डेल्टा फाइ अपॉन 2π, रिलेशन मिल गया। या फिर अगर डेल्टा फाइ का पूछा तो क्या आएगा, लैम्बडा नीचे जाएगा 2π डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा। मैं कभी ये याद रखने नहीं कहता हूं, लिख के रखने जरूर कहता हूं लेकिन याद रखने नहीं कहता हूं, याद सिर्फ यही रखना है। ओके, तो ये किसके किसके लिए था, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के लिए। ठीक, समझ में आया सबको। अब दूसरा हम लोग निकालेंगे यहां पे पाथ डिफरेंस, ओके, पाथ डिफरेंस टाइम डिफरेंस के लिए। ओके, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, इनके बीच में रिलेशन। अब पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस बोला तो ये दो कॉलम्स कंसिडर करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा उसके लिए, लैम्बडा नीचे आएगा डेल्टा एक्स, उधर से आएगा कैपिटल टी और डेल्टा टी। ठीक है, अगेन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या मिला हमको, लैम्बडा डेल्टा टी, टी डेल्टा एक्स। अब पहला इक्वेशन डेल्टा एक्स का निकालने बोला तो टी को नीचे लेके चल जाओ, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा टी अपॉन टी, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अगर डेल्टा टी का निकालने बोला, सॉरी
डेल्टा टी का निकालने बोला तो लैम्डा को नीचे चल जाओ, लेके चल जाओ लैम्डा को, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। समझ में आया सबको? तो ये इंपॉर्टेंट था पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के लिए। अब हम लोग बात करेंगे पाथ डिफरेंस और सॉरी फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, हम लोग बात करेंगे अब फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के लिए। ठीक है, फेज डिफरेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई डेल्टा एक्स, टाइम डिफरेंस के लिए टी डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई डेल्टा टी टी डेल्टा एक्स। ठीक है, अब जिसका फॉर्मूला चाहिए उसके पहले वाला टर्म नीचे लेके चल देंगे, डेल्टा टी का फॉर्मूला चाहिए, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे चाहिए था हमारा डेल्टा फाइव, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा फाइव। अब सपोज डेल्टा टी का निकालना है इक्वेशन, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डेल्टा फाइव अपॉन टू पाई नीचे, इक्वेशन। अब अपने को डेल्टा फाइव का निकालना है, सॉरी टी का इक्वेशन निकालना है, तो डेल्टा सॉरी डेल्टा फाइव का निकालना है तो टी नीचे चल जाए, तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू टू पाई डेल्टा टी बाई टी। तो ये बन गए 6 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो कुछ नहीं, हम लोगों ने, मैं तो सजेस्ट करता हूं ये फॉर्मूला इसमें याद रखो, ये एक टेबल याद रख लो जिसके बीच में रिलेशन निकालना है वो दो लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड जो मुझे समझता है। ओके, नाउ तो दिस वाज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज एनर्जी डेंसिटी, पावर एंड इंटेंसिटी। ओके, बिफोर वी स्टडी ऑल दिस कंसेप्ट वी शुड नो दैट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ वेव इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। m पार्टिकल का मास है, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है, a उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करके रख लेने, ये काम में आएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी u कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो u कैन बी रिटन एज व्हाट इज एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन करके रखना है। पावर, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। देखो यहां पे पावर कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम का एडजस्टमेंट किया, ध्यान देना वॉल्यूम का एडजस्टमेंट किया। अब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी, मतलब यू, इसको अगले इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम यू। लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी ए इंटू वी, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ए इज एरिया, तो एक काम करेंगे एरिया को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। ओके, यहां पे स्मॉल ए लिख देते, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी कितना है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एरिया इंटू वेलोसिटी, योगा पावर का फॉर्मूला। सिंपल, नोट डाउन करके रख लो, काम आएगा बहुत। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई इज डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट इंटेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी अपॉन टाइम, पावर, पावर अपॉन एरिया। ठीक है,
तो देयरफॉर इंटेंसिटी इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला क्या है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एरिया इनटू वेलोसिटी, ये यहां से सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, ओके, अपॉन एरिया, एरिया एरिया कैंसिल, देयरफॉर इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी, तो ये याद रखना, ठीक है। सो ये कंसेप्ट है सारा किसका, एनर्जी डेंसिटी पावर एंड इंटेंसिटी का। एक और बात इसमें ध्यान में रखने लायक वो ये है कि इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। अब सपोज एक सोर्स है, सोर्स एस, सोर्स का एस से डिनोट किया, एट अ डिस्टेंस आर वो एक स्पीयर जैसा कुछ बनाएगा ऐसा, तो यहां पे हमको इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। अब यहां से निकलने वाली वेव यहां पे भी जाएगी, यहां पे भी जाएगी, यहां पे भी जाएगी, यहां पे भी जाएगी, तो वो क्या बनेगा, एक एरिया बनाएगा जो कि रहेगा एक स्फीयर के फॉर्मेट में जिसके सेंटर पे सोर्स है। इमेजिन करो सोर्स बीच में, वो इधर भी वेव फेंक रहे हैं, ऊपर भी वेव फेंक रहे हैं, नीचे भी और राइट साइड में भी, सभी जगह, ओके, सभी डायरेक्शन में। तो एट अ डिस्टेंस आर एक स्फीयर बन जाएगा, ओके। तो इंटेंसिटी क्या रहेगी उसकी, पावर अपॉन एरिया कितना रहेगा, 4πr², क्योंकि एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो यहां से एक समझ गया कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके, क्लियर विद दिस। ऑल्सो वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये भी नोट डाउन करके रखो, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी है, डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो जितने कंसेप्ट मैंने अभी पढ़े हैं सारे के सारे लिख लो, ओके, दैट्स इट इन दिस लेक्चर।